ओके, लेट्स स्टार्ट ऑफ विद द फर्स्ट क्वेश्चन. देखो, मैंने मोनोक्रोमेटिक पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट, मोनोक्रोमेटिक का मतलब है कि वो सिर्फ एक ही यूनिक लैम्डा वाला लाइट छोड़ता है. मतलब लाइट का एक पर्टिकुलर लैम्डा, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होगा एक. जैसे कि व्हाइट लाइट मोनोक्रोमेटिक नहीं है, उसमें बहुत सारे अलग अलग वैरायटी ऑफ लाइट्स है जिसका लैम्डा अलग होगा, जिसका फ्रीक्वेंसी अलग होगा. ये मोनोक्रोमेटिक है. लाइट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 0.2 मीटर्स फ्रॉम ए फोटोइलेक्ट्रिक सेल. मतलब ये समझो कि अगर ये पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट है, राइट, दिस इज द सोर्स, तो लाइट जब यहां से निकलेगा इट विल बी इन द शेप ऑफ वेव फ्रंट्स. एंड लेट अस से कि यहां पर हमारा मेटल प्लेट है. दिस इज द मेटल प्लेट, ठीक है. एंड एज बिकॉज इट इज इंटेंसिटी, आई कैन से कि इस जगह का जो इंटेंसिटी होगा, आई का वैल्यू जो होगा, दैट विल बी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर. ये सिखाया था, राइट. इसका पावर तो डिफाइंड होगा. लेट अस से दिस इज पी वाट्स. इंटेंसिटी जो होगा पावर बाई एरिया होता है. एंड द एनर्जी इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर द एरिया ऑफ दिस वेव फ्रंट. दिस इज अ स्पेरिकल वेव फ्रंट, और स्पेरिकल वेव फ्रंट का एरिया कितना होता है? 4πr², याद आ गया. आई इक्वल टू पी बाई 4πr², तो इंटेंसिटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r², ठीक है. ओके, द कट ऑफ वोल्टेज एंड द सेचुरेशन. कट ऑफ वोल्टेज इज नथिंग बट दिस स्टॉपिंग पोटेंशियल. कल जो स्टॉपिंग पोटेंशियल बताया था ना, वही है कट ऑफ वोल्टेज, ठीक है. एंड द सेचुरेशन करंट आर रेस्पेक्टिवली 0.6 वोल्ट एंड 80 मिली एम्पियर. मतलब 0.6 वोल्ट लगाओगे तो फास्टेस्ट मूविंग फोटो इलेक्ट्रॉन वहाँ तक पहुँच नहीं पाएगा. एंड वॉट इज सेचुरेशन करंट? 18 मिली एम्पियर. डू यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेचुरेशन करंट? करंट इंक्रीज नहीं होगा. मतलब देखो क्या है सीन, एक बार रिपीट कर देता हूँ. लेट अस से वो मेटल प्लेट है और वोल्टेज, हम पोलैरिटी हमारे ऊपर डिपेंड करता है. हम वोल्टेज का पोलैरिटी ऐसे बना सकते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट को सपोर्ट करे, या हम पोलैरिटी को ऐसे लगा सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को दो प्लेट्स के बीच ऐसे लगा सकते हैं कि वो इलेक्ट्रॉन के फ्लो को अपोज करें. बात समझ में आया? तो वोल्टेज पॉजिटिव है, मैं ये मानूंगा कि इलेक्ट्रॉन के फ्लो को सपोर्ट कर रहा है. वोल्टेज नेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन के फ्लो को अपोज कर रहा है. और नेगेटिव पोटेंशियल का मैक्सिमम वैल्यू इज 0.6 वोल्ट जब एक भी इलेक्ट्रॉन उस कलेक्टर तक नहीं पहुंच पाता. डू एग्री विथ दिस? समझ में आया? ओके, नाउ व्हाट इज सैचुरेशन करंट? नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट सैचुरेशन करंट, वी आर टॉकिंग अबाउट द पॉजिटिव पोटेंशियल. जब हम ऐसा पोटेंशियल अप्लाई करते हैं, जब हम ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट को सपोर्ट करेगा, ठीक है. वो मेटल प्लेट है, तुमने लाइट चमकाया, बहुत सारे फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकले, बहुत सारे फोटो इलेक्ट्रॉन्स बहुत खुश हैं, कुछ एवरेज खुशी है, कुछ फोटो इलेक्ट्रॉन्स का कुछ एकदम दुखी है. ये कैटेगराइजेशन हमने कैसे किया? इन टर्म्स ऑफ एनर्जी. कुछ फोटो इलेक्ट्रॉन्स के पास बहुत ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगा, उन्होंने टैक्सेस पे किया, दैट इज वर्क फंक्शन, और बाकी पूरा का पूरा उनके पास ही रह गया इन द फॉर्म ऑफ व्हाट? काइनेटिक एनर्जी. एवरेज वाला ग्रुप में कौन रहेगा? जिसने टैक्सेस पे किया और एक्स्ट्रा टैक्स पे करना पड़ा. देखो, जब वो लोग जा रहे थे किसी और इलेक्ट्रॉन के साथ जाकर टकरा गए, किसी लैटिस के साथ जाकर टकरा गए. और सबसे दुखी फोटो इलेक्ट्रॉन्स कौन से होंगे? जिनका पूरा एनर्जी बैलेंस ही खत्म हो गया. जितना था उनके पास टैक्सेस पे करने के बाद, जितना बाकी था उनके पास, वो पूरा खत्म हो गया निकलने के चक्कर में. एग्जैक्टली, तो बहुत सारे फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकले. लेट अस से 100 फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकले यहाँ से, फॉर एग्जाम्पल, जिसमें से 10 वेरी फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है. अभी मैंने ये पहले भी पढ़ा था, लेट अस से अब तक हमने कोई वोल्टेज अप्लाई नहीं किया. सो 10 फोटो इलेक्ट्रॉन्स में से 5 फोटो इलेक्ट्रॉन्स अपने आप यहाँ तक पहुँच जाएंगे, बाकी लोग पहुँच ही नहीं पाएंगे. आते 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 दे विल डिप डाउन. जो स्लो मूविंग फोटो इलेक्ट्रॉन्स है वो सीधा तो आएगा, लेकिन प्रोजेक्टाइल जैसा नीचे भी जाएगा, तो वहाँ तक पहुँच नहीं पा रहा. तो इनिशियली 5 फोटो इलेक्ट्रॉन्स के लिए करंट बन रहा है. फोटो करंट मैंने क्या क्या वोल्टेज और बढ़ा दिया. वोल्टेज बढ़ाने से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, जो उल्टा लगा रहा हूँ मैं, बिकॉज इलेक्ट्रॉन ऐसा मूव कर रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने इस तरीके से लगाया. वोल्टेज बढ़ा दिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू भी क्या बढ़ गया. तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन्स को खींच खींच के इस प्लेट तक लेके जा रहा है. अभी अगर मैंने वोल्टेज बढ़ा दिया, तो पहले अगर 5 फोटो इलेक्ट्रॉन्स पहुँच रहे थे, अभी 10 पहुँचेंगे, और बढ़ाया 15 पहुँचेंगे, फिर 20, फिर 25, 30, 40, 50, 60, बढ़ाते जा रहा हूँ. मोर नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर नाउ
एबल टू रीच द कलेक्टर। फिर सोचो एक पर्टिकुलर पोटेंशियल पे यहां से 100 फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकले थे और सारे के सारे 100 फोटो इलेक्ट्रॉन्स दे आर एबल टू रीच द कलेक्टर। उसके बाद भी तुमने और वोल्टेज बढ़ाया, इस बार भी तो 100 फोटो इलेक्ट्रॉन्स ही निकले थे, 100 ही पहुंचेंगे, 100 से ज्यादा तो हो नहीं सकता। जो तुम वोल्टेज अप्लाई कर रहे हो दोनों प्लेट्स के बीच का वोल्टेज है, वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स को सपोर्ट करता है यहां तक पहुंचने के लिए। तुम समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? इसके बाद अगर तुम अगर वोल्टेज बढ़ा भी दोगे तो फोटो करंट जो था मैक्सिमम फोटो करंट वो तो 100 फोटो इलेक्ट्रॉन्स के लिए था ना, तो वोल्टेज बढ़ाते जाओगे विल द फोटो करंट इंक्रीज, द फोटो करंट इज नॉट गोइंग टू इंक्रीज बिकॉज 100 के 100 फोटो इलेक्ट्रॉन्स उस जगह तक पहुंच गए। तो उस करंट को हम बोलते हैं सैचुरेशन करंट, उस करंट को हम क्या बोलते हैं सैचुरेशन करंट। समझ में आया? मतलब मैक्सिमम जितने इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं सारे के सारे अगर पहुंच जाते तो हम उसको उस वक्त का जो करंट है उसको हम क्या कहते हैं सैचुरेशन करंट। ठीक है, बिफोर वी प्रोसीड एंड एस बिकॉज तुमने पढ़ाई नहीं किया, पता नहीं क्या किया तुम लोगों ने इतना दिन, सैचुरेशन करंट किस पे डिपेंड करता है? अगर मैं पूछूं सैचुरेशन करंट किस पे डिपेंड करता है तो क्या जवाब होना चाहिए? जैसे कि स्टॉपिंग पोटेंशियल किस पे डिपेंड करता है, तुम बोलोगे सबसे फास्टेस्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन जिसके पास सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी है उसी के काइनेटिक एनर्जी के वैल्यू पे स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड करता है। तो इसी तरीके से मैंने तुमको ये भी पूछा कि सैचुरेशन करंट किस पे डिपेंड करता है, फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड और कितना फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकलेगा वो किस पे डिपेंड करता है, तुमने कितना पैकेट्स ऑफ लाइट सरफेस पे चमकाया। बिकॉज यहाँ पर तो हम लाइट को पार्टिकल नेचर के हिसाब से स्टडी करें, तो अगर मैं कहूँगा कि लाइट गिरा रहा हूँ मेटल सरफेस में, तुम्हारे दिमाग में विजुअलाइजेशन क्या आएगा, पैकेट्स फेंक रहे, राइट? और नंबर ऑफ पैकेट्स किस पे डिपेंड करता है, इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है। मैंने कहा कि नहीं मैं लाइट की इंटेंसिटी बढ़ा दिया, इंटेंसिटी का डेफिनेशन क्या है, एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, तुमने बढ़ा दिया इंटेंसिटी, इसका मतलब क्या है पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, अभी तुम ज़्यादा पैकेट्स फेंक रहे हो, यही मतलब है। तो सैचुरेशन करंट का वैल्यू किस पे डिपेंड करेगा, इंटेंसिटी पे डिपेंड करेगा, ठीक है ना। हाँ, और एक बात जो है ये फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन जो है वो 100% एफिशिएंट नहीं है, ऐसा मत समझना कि मैंने 100 पैकेट फेंका तो 100 फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकल के आया, रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता, एफिशिएंसी 100% नहीं होता। सोचो तुमने 100 पैकेट्स ऑफ एनर्जी फेंका, 100 फोटोन्स फेंका, सोचो 50 ही फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकलेगा। बात समझ में आ रहा मैं क्या कह रहा हूँ? बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन, ताकि हमारा डिस्कशन सिंपल रहे, मैं इजी 100% एफिशिएंसी मान लेता हूँ। लेट अस से हमने 100 पैकेट्स गिराया और 100 फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकला। अभी सैचुरेशन करंट कौन बनाने वाला है, 100 फोटो इलेक्ट्रॉन्स। अभी अगर सैचुरेशन करंट को बढ़ाना है तो क्या बढ़ाना पड़ेगा, एग्जैक्टली इंटेंसिटी बढ़ाना है, लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाओगे, अभी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया ज़्यादा पैकेट्स फेंकोगे, करेक्ट? याद रखना ये चीज़, ठीक है। नाउ लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम। बोला है जब 0.2 मीटर के डिस्टेंस पे रखा है तब देखा गया है कि जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो 0.6 वोल्ट है और जो सैचुरेशन करंट है वो 18 मिली एम्पियर है। इफ द सेम सोर्स इज नॉट प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 0.6 मीटर अवे फ्रॉम द फोटो इलेक्ट्रिक सेल, इस सोर्स को दूर लेके चला जाऊँ, पहले कितने डिस्टेंस पे था, 0.2 मीटर्स पे था, अभी अगर मैं 0.6 मीटर्स पर रख दूँ तो नया स्टॉपिंग पोटेंशियल और नया सैचुरेशन करंट क्या होगा वो पूछा गया है। एग्जैक्टली खुद सोच के बताओ, अभी अगर मैं इस सोर्स को दूर लेके चला जाऊँ, इफ आई मूव अवे द सोर्स, तो मेटल प्लेट के साथ या मेटल प्लेट के पास जो लाइट पहुँच रहा है उसमें क्या फर्क पड़ेगा, इंटेंसिटी घट जाएगा। पहले सोचो 20 पैकेट गिर रहा था पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, अभी 10 पैकेट गिरेगा पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, तो किस पे फर्क पड़ेगा, हाँ सैचुरेशन करंट, हाँ किस पे फर्क पड़ेगा, सैचुरेशन करंट में फर्क पड़ेगा, सैचुरेशन करंट विल डिक्रीज एंड आई कैन से दैट सैचुरेशन करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी। डू एग्री विद दिस? जितना ज्यादा इंटेंसिटी होगा उतना ज्यादा सैचुरेशन करंट होगा। तो मैं इसको लिख सकता हूँ इज ऑल्सो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वर्ड आर स्क्वायर, बात को समझो, ठीक है, ओके फाइन, बहुत सिंपल है, मैं इस तरफ लिख रहा हूँ। लेट अस से दिस इज द सैचुरेशन करंट इन द सेकंड केस डिवाइडेड बाय सैचुरेशन करंट इन द फर्स्ट केस, दिख रहा है स्क्रीन में, हाँ दैट इज इक्वल टू, हम क्या लिखेंगे, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, एस टू है इट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 0.6 द होल स्क्वायर एंड दिस इज 0.2 द होल स्क्वायर,
इज दैट ओके? इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो क्या मिलेगा, 1/9, तो यहाँ पर हमको मिलेगा सेचुरेशन करंट इन द सेकेंड केस इज 1/9 टाइम्स द सेचुरेशन करंट इन द प्रीवियस केस, दैट इज 2 mA. सेचुरेशन करंट 18 से क्या हो गया, 2 mA में कन्वर्ट हो गया. इज दैट बट नाउ कैन यू टेल मी कि स्टॉपिंग पोटेंशियल पे क्या फर्क पड़ेगा, हाउ विल द स्टॉपिंग पोटेंशियल बी अफेक्टेड? अगर मैंने ये क्वेश्चन पूछा तो तुम पहले ये सोचो स्टॉपिंग पोटेंशियल किसको रोकता है, द फास्टेस्ट मूविंग फोटो इलेक्ट्रॉन को, उसके काइनेटिक एनर्जी को पोटेंशियल में कन्वर्ट कर देता है ताकि वो कलेक्टर तक पहुंच ना पाए, है ना? तो स्टॉपिंग पोटेंशियल पे कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा यार. नंबर ऑफ पैकेट्स डिक्रीज हो रहा है बट उस पैकेट में कितना एनर्जी है वो तो चेंज नहीं हो रहा ना. पैकेट में कितना एनर्जी किस पे डिपेंड करता है, h nu पे डिपेंड करता है, hc/λ पे डिपेंड करता है, डिपेंड करता है कि तुमने कैसा लाइट चमकाया है, ऑन द काइंड ऑफ लाइट, नॉट ऑन द क्वांटिटी ऑफ लाइट. समझ में आया? तो पैकेट पहले 20 मिल रहा था, अभी 10 मिल रहा है, लेकिन पैकेट में कितना एनर्जी है वो तो चेंज नहीं हुआ. तो फास्टेस्ट मूविंग फोटो इलेक्ट्रॉन के पास भी पहले जैसा ही काइनेटिक एनर्जी होगा. हाँ, फर्क ये है, पहले अगर 10 फास्ट मूविंग फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहा था, अभी 5 फास्ट मूविंग फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकलेगा, लेकिन काइनेटिक एनर्जी में, उनके काइनेटिक एनर्जी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा. तो स्टॉपिंग पोटेंशियल विल रिमेन द सेम. तो सेकंड केस में स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या रहेगा, 0.6 वोल्ट ही रहेगा. सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन. इज दैट क्लियर? समझ में आया? रुको, पहले ये हो गया. अच्छा, पॉज करो, कुछ लिखना है तो लिख लो. करें टैप किया बीच में. हाँ, देखो ये वाला क्वेश्चन बहुत ही आसान है, पढ़ो तो इसका जवाब क्या होगा. द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ फॉर फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन फ्रॉम ए मटेरियल इज 5200 एंगस्ट्रॉम. थ्रेशोल्ड वेवलेंथ का मतलब क्या है? लैम्डा का वैल्यू इससे या इससे कम होना पड़ेगा, बिकॉज एनर्जी पे डिपेंडेंट है. एनर्जी इज hc/λ, एनर्जी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा. लैम्डा जितना छोटा, एनर्जी उतना ज़्यादा. तो 5200 एंगस्ट्रॉम में अगर फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन होता है, तो अगर तुमको फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन करवाना है तो तुमको कैसा लैम्डा चाहिए होगा, 5200 या 5200 से कम. तभी पूछा है फोटो इलेक्ट्रॉन्स विल बी मिटेड व्हेन मटेरियल इज इल्यूमिनेटेड विद लाइट ऑफ 50 वाट इंफ्रारेड लैम्प, 1 वाट इंफ्रारेड लैम्प, 50 वाट अल्ट्रावायलेट लैम्प. ए बी सी, अच्छा ये डी होगा, 1 वाट अल्ट्रावायलेट लैम्प. क्या होगा बता? सबसे पहली बात, क्या ये पावर पर डिपेंड करेगा? क्या फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन क्या पावर पर डिपेंड करेगा? एक सेकेंड में कितना एनर्जी दे रहे हो, एक सेकेंड में कितना एनर्जी दे रहे हो, डिपेंड नहीं करेगा. डिपेंड करेगा कि एक पैकेट में कितना एनर्जी है. क्या वो पैकेट में, देखो एक सेकेंड में कितना एनर्जी दे रहे हो, अगर तुम जो एनर्जी दोगे विल गिव इट इन टर्म्स ऑफ पैकेट्स ओनली ना. सोचो तुमने बहुत पैकेट्स फेंका, लेकिन मैंने क्या बताया था कि एक फोटो इलेक्ट्रॉन को सिर्फ एक ही पैकेट मिलेगा. लेकिन अगर उस पैकेट में सफिशियंट एनर्जी नहीं है, तो उस एनर्जी को एब्जर्व करने के बाद भी वो इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस से निकल के नहीं आ पाएगा. तो पावर पे डिपेंड करेगा ही नहीं, ये तो पावर सिर्फ क्या बोलते उसको, गुमराह करने के लिए दिया गया है वाट के टाइम्स. ठीक है, तुमको किसको देखना है? तुमको एक पैकेट की एनर्जी को देखना कि क्या इस पैकेट में वर्क फंक्शन से ज़्यादा एनर्जी है या नहीं. अभी इसमें तुमको थोड़ा सा नॉलेज होना पड़ेगा कि 5200 एंगस्ट्रॉम ना, इंफ्रारेड जो लाइट होता है उसका लैम्डा का वैल्यू 5200 से ज़्यादा होता है. मतलब ईएम वेव्स में हमने जो पढ़ा था ना रेंज, वो तुमको याद रखना पड़ेगा. समझ में आया? और अल्ट्रा वायलेट का जो लैम्डा का वैल्यू होता है वो 5200 से कम होता है. तो इसका जो पॉसिबल ऑप्शन होगा, एक मिनट, इसका CND होगा. ये पावर तो देखने की ज़रूरत है ही नहीं तुमको. तो अल्ट्रा वायलेट लाइट ही सिर्फ दिखाई देगा. कोई डाउट? पॉज कर दो. हो गया, बस तुम लोग लिख. ओके, देखो क्वेश्चन क्या, मैं एक बार फिर से बता देता हूँ. एक प्रोटॉन है और यहाँ पर एक न्यूक्लियस है. न्यूक्लियस के पास कितना चार्ज है? टोटल 120 E. प्रोटॉन के पास कितना चार्ज होगा? E. तो प्रोटॉन को ना यहाँ से शूट किया गया है, लेट अस से विद द काइनेटिक एनर्जी ऑफ K. और अगर तुम इस क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे, न्यूक्लियस में तो पॉजिटिव चार्ज होता ही है, प्रोटॉन के पास भी पॉजिटिव चार्ज है. सो व्हाट विल हैपन एज द प्रोटॉन अप्रोचेस, इट विल बी रिपेल्ड, इस काइनेटिक एनर्जी विल डिक्रीज, विच विल बी कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी. डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच 10 fm. इसका मतलब क्या है? मिनिमम, नॉट मिनिमम, मैक्सिमम न्यूक्लियस के कितने पास जा सकता है वो? यहाँ तक जा सकता है
और ये जो डिस्टेंस है दैट इज गिवन एज 10 फेमटोमीटर, यहाँ जाके इसका काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू जीरो हो जाता है। मतलब यहाँ पर जितना काइनेटिक एनर्जी था सारा का सारा यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो पूछा है व्हाट इज द डी ब्रॉय वेव लेंथ एट द स्टार्ट, मतलब इनिशियल अगर उसका काइनेटिक एनर्जी के था उस पार्टिकल का, तो उस वक्त का उसका डी ब्रॉय वेव लेंथ कितना है वो बताना है। लैम्डा इक्वल टू एच बाई पी, पी को हम लिख सकते हैं रूट ओवर ऑफ 2 mk। तो मुझे ये के का वैल्यू निकालना पड़ेगा किसी तरीके से। बात समझ में आए कैसे करें इस क्वेश्चन को? देयर इज वन ऑब्वियस थिंग दैट वी कैन डू, ओनली वन ऑब्वियस थिंग दैट कैन बी डन, या इसमें और क्या है, दैट इज एनर्जी कंजर्वेशन। देखो वेरी फार अवे लिखा हुआ है, कैन यू टेल मी द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस वर्ड वेरी फार अवे? नो पोटेंशियल एनर्जी, देयर इज नो इंटरैक्शन, और हम पोटेंशियल एनर्जी को क्या मान लेंगे यहाँ पर जीरो। तो यहाँ पर इनिशियली पोटेंशियल एनर्जी जीरो और इनिशियली काइनेटिक एनर्जी हमने के आई लिख के रखा है। इस सिस्टम में कोई डिसिपेटिव फोर्सेस नहीं है जो कि एनर्जी को वेस्ट कर देगा, सो यू कैन यूज कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। फॉर इज द इनिशियल एनर्जी दैट इज के आई, चलो मैं के ही लिखता हूँ के आई को, एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज व्हाट, जीरो, दैट इज इक्वल टू, जब यहाँ पहुँच जाएगा, हाँ इसका जो पोटेंशियल एनर्जी होगा फाइनल हो क्या होगा, के Q1 into Q2 divided by R. R is in this case 10 femtometer. ठीक है ना, this is nothing but R. Do you agree with this? Okay. So what is the final kinetic energy? Zero. What is the potential energy? K 120 E into E divided by R. K का वैल्यू पता है, R का वैल्यू पता है, E का वैल्यू पता है, तो तुम यहाँ से यहाँ का kinetic energy का वैल्यू आराम से निकाल सकते हो, बोलो ना। ओके तो के का वैल्यू हम क्या लिख देंगे, अच्छा ये कंफ्यूज मत होना, ये के अलग है, दिस इज काइनेटिक एनर्जी है ना, दिस इज काइनेटिक एनर्जी दैट इज इक्वल टू के 120 ई इंटू ई डिवाइडेड बाय आर। ये हमको काइनेटिक एनर्जी पता चल गया। तो इस जगह पर इसका डी ब्रॉय वेवलेंथ कितना होगा, डी ब्रॉय ने रिलेशन क्या दिया था, लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई पी, पी को हम लिख सकते रूट ओवर ऑफ 2 mk, where m is the mass of the proton, k is the kinetic energy, और k का वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं। मैं कैलकुलेशन नहीं करूँगा, तुमको आंसर बता दे रहा हूँ सब कुछ करने के बाद। लैम्डा का वैल्यू 7 फेमटोमीटर आता है। बोलो समझ में आया ये क्वेश्चन, कोई डाउट पॉज करो, फोकस टैप कर, बीच में टैप किया। देखो ए मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी f इल्यूमिनेट्स है मेटेलिक सर्फेस एंड इजेक्ट्स फोटो इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना। द फोटो इलेक्ट्रॉन्स हैविंग मैक्सिमम एनर्जी इज जस्ट एबल टू आयोनाइज हाइड्रोजन एट, जस्ट एबल टू आयोनाइज, राइट, मतलब द फोटो इलेक्ट्रॉन्स हैविंग मैक्सिमम एनर्जी इज जस्ट एबल टू आयोनाइज ए हाइड्रोजन एटम। मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि काइनेटिक एनर्जी जो मैक्स होगा दैट इज इक्वल टू आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम। कैन यू टेल मी, जस्ट एबल टू आयनाइज मतलब मिनिमम कितना एनर्जी दिया होगा उसको, अगर एक हाइड्रोजन एटम को आयनाइज करना है इन द ग्राउंड स्टेट, लिखा हुआ है ना हाइड्रोजन एटम इन द ग्राउंड स्टेट, मतलब एन इक्वल टू 1 पे एक इलेक्ट्रॉन है, और जस्ट आयनाइज का मतलब है कि इसको तुमने कहाँ भेजा, इन्फिनिटी में भेजा, इन्फिनिटी में एनर्जी कितना होता है, जीरो, और एन इक्वल टू 1 पे एनर्जी कितना होता है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो कितना एनर्जी दिया होगा, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ एनर्जी दिया होगा, तब जाके वो इन्फिनिटी में जाके पहुंचेगा। डू एग्री विद दिस? तो यहाँ पर हमने क्या दिया उसको, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और के मैक्स की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, लेट अस से फ्रीक्वेंसी एच नू था माइनस वर्क फंक्शन, है ना, एच नू मिला टैक्सेस दिया और बाकी उसके पास कितने, दैट इज 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। अच्छा लेट अस रीड द सेकेंड पार्ट, व्हेन द होल एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड विद एन इंसिडेंट रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी 5/6 f, मतलब पहले वाला फ्रीक्वेंसी f था तो ये 5/6 है, मतलब थोड़ा घटा दिया फ्रीक्वेंसी, तो ऑब्वियसली यहाँ पर आयोनाइजेशन के बारे में तो हम बात नहीं करेंगे। द फोटो इलेक्ट्रॉन्स सो इमिटेड आर एबल टू एक्साइट द हाइड्रोजन एटम, तो फोटो इलेक्ट्रॉन सो इमिटेड मतलब उनके पास जो एनर्जी है वो एक हाइड्रोजन एटम को एक्साइट कर सकता है, विच देन इमिट्स ए रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ 1 to 15 angstrom। इसका मतलब क्या है, जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं उनके पास जो एनर्जी है ऑब्वियसली पहले वाले के रिस्पेक्ट में कम एनर्जी होगा, आयनाइज तो नहीं कर पाएगा,
लेकिन फोटो इलेक्ट्रॉन्स के पास जो एनर्जी, वो हाइड्रोजन एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट कर पाए। एक्साइटेशन में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द लोअर ऑर्बिट्स जंप टू द हायर ऑर्बिट्स, बट विल दे स्टे इन द हायर ऑर्बिट्स? दैट इज एन अनस्टेबल स्टेट, राइट? आफ्टर सम टाइम दे विल अगेन कम बैक, एंड व्हेन दे कम बैक दे विल अगेन रिलीज द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ए फोटोन। वही बोला गया है कि फोटो इलेक्ट्रॉन सो मेटेड आर एबल टू एक्साइट द हाइड्रोजन एटम, विच देन, विच मतलब ये हाइड्रोजन एटम, विच देन इमिट्स ए रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ ऑफ व्हाट, 1 to 1.5 एंगस्ट्रॉम। इसका मतलब है जितना खा के हायर ऑर्बिट में गया था, हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में आने के लिए फिर से उतना ही एनर्जी वो क्या करेगा? रिलीज करेगा। बात समझ में आया? तो अगर वो ऐसा रेडिएशन छोड़ता है जिसका वेवलेंथ का वैल्यू 1 to 1.5 एंगस्ट्रॉम है, तो व्हाट इज द एनर्जी ऑफ द फोटोन व्हिच हैज बीन इमिटेड ड्यूरिंग डी एक्साइटेशन? h/λ, राइट? बात समझ में आया? ओके, सो सेकेंड केस में ये बताओ फोटो इलेक्ट्रॉन्स को सेकेंड केस में कितना एनर्जी मिलेगा? फ्रीक्वेंसी की जगह तुमने क्या लिख दिया? 5 nu/6 माइनस टैक्सेस पे कर दिया, तो इतना जो एनर्जी है, इतना एनर्जी एक हाइड्रोजन एटम के इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट करेगा, और डी एक्साइट होने के बाद वही इलेक्ट्रॉन्स जो है दे विल रिलीज द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, फोटोन, जिसका वेवलेंथ है 1 to 1.5 एंगस्ट्रॉम। मतलब उस फोटोन के पास कितना एनर्जी होगा? h/λ। h को हम क्या लिख सकते हैं? 1 to 4 00 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू एंगस्ट्रॉम सिखाया था कल, और नीचे लैम्डा का वैल्यू भी हम एंगस्ट्रॉम में ही पुट करेंगे, दिस 1 to 1.5 एंगस्ट्रॉम, ये चला जाएगा, दिस इज इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बात समझ में आया? तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, दैट इज 5 h/nu/6 माइनस w इक्वल टू 1 to 4 00 डिवाइडेड बाई 1 to 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो दिस इज आवर इक्वेशन 1 एंड दिस इज आवर इक्वेशन 2। और अगर ध्यान से देखोगे तुम्हारे पास यहाँ पर दो वेरिएबल्स हैं, एक तो w है वेरिएबल, एक फ्रीक्वेंसी हमको पता नहीं, और दो इक्वेशन है, सो यू कैन इजिली सॉल्व दम। तुमको पूछा क्या है? व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन? नो निकल जाएगा। व्हाट इज वर्क फंक्शन? फाइ इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ व्हाट? वर्क फंक्शन, डब्ल्यू निकल जाएगा। ठीक है, मैं आंसर बता देता हूँ। यहाँ पर फ्रीक्वेंसी का वैल्यू आता है 4.92 × 10⁻¹⁵ Hz, 4.92 × 10⁻¹⁵ Hz। तुम जब करोगे इसको कंप्लीट करना है, मैं कैलकुलेशन नहीं कर रहा बिकॉज इट विल टेक टाइम, लेकिन तुमको करना है। और वर्क फंक्शन का वैल्यू दिया हुआ है 6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सो दिस इज द आंसर। कोई डाउट? पॉज करो। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर एक ग्राफ दिया हुआ है, मैं ज़्यादा लैंग्वेज नहीं लिखा। स्टॉपिंग पोटेंशियल V जो है, ये स्टॉपिंग पोटेंशियल है, ठीक है ना? ग्राफ इज बिटवीन स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड 1/λ, इनवर्स ऑफ लैम्डा। चलो यहाँ देखो, और जो यहाँ पर ग्राफ प्लॉट किया गया है, ध्यान से देखो, तीन मेटल्स के लिए प्लॉट किया गया, मेटल 1, मेटल 2, मेटल 3, और तीनों का वर्क फंक्शन पहले का 5.1, दूसरे का 5.2, तीसरे का 5.3 है। ये डाटा दिया हुआ है 1/λ, और पूछा 5.1 × 5.2 × 5.3 कितना होगा बताओ, ठीक है ना? एक बार स्टॉपिंग पोटेंशियल और लैम्डा के बीच का जो इक्वेशन है वो क्या, वो लिख लेते, है ना? तो स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है? पहले तो समझो कि काइनेटिक एनर्जी मैक्स क्या होता है, दैट इज h/λ-5, और इसी के ही मैक्स को स्टॉप करने के लिए जो हम पोटेंशियल अप्लाई करते हैं v0, दैट इज कॉल्ड एज स्टॉपिंग पोटेंशियल, ev0, दैट इज h/λ-5। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल, इसको अगर मैं v लिखता हूँ, उसको हम क्या लिख सकते हैं? h/a × 1/λ-5/e। डू यू एग्री विथ दिस? ओके, यहाँ पर ध्यान से देखो, ये मेटल वन के लिए इस जगह पर स्टॉपिंग पोटेंशियल का वैल्यू कितना है? 0, राइट? जब वी का वैल्यू 0 है, तो 1/λ का वैल्यू कितना है? 0.001। डू यू एग्री विथ दिस? तो यहाँ पर इफ वी इज इक्वल टू 0 में प्लॉट करूँ तो हमको क्या मिलेगा? ध्यान से देखना, h/c/e × 1/λ विल बी इक्वल टू 5 suffix, है ना? अच्छा, तो यहाँ पर e बेसिकली कैंसल आउट हो जाएगा, और ध्यान से देखो, h और c तो कांस्टेंट है, कैन आई से 5 is directly proportional to 1/λ? कौन सा लैम्डा? व्हेन v इज इक्वल टू व्हाट? 0। एनी डाउट इन दिस? ओके, तो ये पहले वाले केस के लिए, ये सेकंड वाले केस के लिए,
ये थर्ड वाले केस के लिए, डू यू एग्री विद दिस, है ना? अच्छा, तो 5-1 इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाई लैम्डा का वैल्यू कितना है? 0.001. 5-2 का जो वैल्यू है दैट इज प्रोपोर्शनल टू 0.002, एंड 5-3 का जो वैल्यू है दैट इज प्रोपोर्शनल टू 0.004. इज दैट क्लियर? बस रेशियो पूछा है, क्या होगा? सो ये जे 2006 का ऑप्शंस में आया हुआ था, मैंने क्वेश्चन को थोड़ा चेंज करके, लेकिन यही क्वेश्चन पूछा गया है. फिर पूछा है फ्रॉम विच मेटल कैन वायलेट लाइट इजेक्ट फोटो इलेक्ट्रॉन्स. कैसे कैसे पता चलेगा? वर्क फंक्शन का वैल्यू पता चल गया. अच्छा, ध्यान से देखना, वर्क फंक्शन का वैल्यू हमको इस एक्सप्रेशन से मिलेगा, एक्चुअल वर्क फंक्शन का वैल्यू. दैट मीन्स 5 इज इक्वल टू, ध्यान से देखो, 8c बाई लैम्डा. सो इफ यू टॉक अबाउट वर्क फंक्शन ऑफ द फर्स्ट मेटल दैट इज 8c बाई 1 बाई लैम्डा, 8c इंटू 1 बाई लैम्डा की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं? 0.01, है ना? 8c का वैल्यू हम क्या पुट कर सकते हैं? 12400. दो जीरो गया, इधर चला गया. अच्छा, दैट इज 12.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना? नहीं तो और एक काम कर सकते हैं, ये नहीं करके, ऐसा नहीं करके, ये इतना मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, हमको ऑलरेडी 1 बाई लैम्डा का वैल्यूज पता है ना. देखो यहाँ पर स्टॉपिंग पोटेंशियल जीरो है, मतलब ये वाला लैम्डा कौन सा लैम्डा होगा? ये वाला 1 बाई लैम्डा का वैल्यू जो होगा वो कौन सा लैम्डा होगा? दिस विल बी द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ. ये वाला लैम्डा जो है 1 बाई लैम्डा का वैल्यू, जब स्टॉपिंग पोटेंशियल जीरो है, मतलब एक भी फोटो इलेक्ट्रॉन नहीं निकला होगा. दैट पर्टिकुलर वेवलेंथ ऑफ फोटोन विल जस्ट बी एबल टू इमिट फोटो इलेक्ट्रॉन, तो वो होगा बाउंड्री. ट्राई टू अंडरस्टैंड. तो यहाँ से जो 1 बाई लैम्डा को अगर मैं 0.001 लिख दूँ, तो वहाँ से जो लैम्डा निकलेगा दैट विल बी द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ. डू अंडरस्टैंड दिस? कोई डाउट? मुझे लग रहा है कुछ डाउट है, पॉज करना था. सो इन दिस केस इफ दिस इज द फर्स्ट एलिमेंट, हम लिख सकते हैं 1 बाई लैम्डा 1 इन दिस केस इज व्हाट? 0.01. लैम्डा 1 का वैल्यू कितना होगा? सॉरी, कितना आएगा बताओ? 1000 नैनोमीटर. लैम्डा 2 का वैल्यू कितना होगा? लैम्डा 3 का वैल्यू कितना होगा? अभी तुमको ये समझना पड़ेगा कि वायलेट लाइट का वेवलेंथ कितना होता है. वायलेट का लीस्ट वेवलेंथ है, राइट? 400 to 700 नैनोमीटर होता है. सॉरी, 4000 आ रहा है ना यहाँ पर, पॉज करना था. 4000 है ना, 400 है मुझे जितना, है ना? सो फॉर करेक्शन, ये दोनों गलत हुआ, राइट? कैलकुलेशन गलत हुआ था, ये 1000, ये 500, ये 250, राइट? और जितना कम वेवलेंथ उतना ज़्यादा एनर्जी. तो वायलेट लाइट का लैम्डा 400 के अराउंड होता है. इनका वेवलेंथ कितना है? थ्रेशोल्ड वेवलेंथ 500, ज़्यादा है. तो 400 वाले के पास तो ज़्यादा एनर्जी होगा ही, तो यहाँ से भी निकाल देगा, यहाँ से भी निकाल देगा. लेकिन इसका थ्रेशोल्ड वेवलेंथ कितना है? 1000 इन दिस केस, राइट? इसे ही क्या है ना, या तो ये वाला निकल नहीं पाएगा, राइट? 1000 नैनोमीटर मतलब इसका थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, उससे कम होगा तो निकल जाएगा, आई थिंक सो. ठीक है, फाइनल फाइनल. तो वायलेट लाइट का वेवलेंथ कितना होता है? 400 नैनोमीटर. लैम्डा 1 का कितना होता है? 1000, मतलब ये थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है. मतलब इस मेटल सरफेस से अगर फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकालना है, तो इस पर जो लाइट चमकाएंगे उसका लैम्डा का वैल्यू 1000 या 1000 से कम होना पड़ेगा. तो वायलेट लाइट का कम है तो वायलेट लाइट निकाल देगा इससे. इसमें जो लाइट चमका रहे हैं, अगर इस मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स निकालना है, उसका लैम्डा का वैल्यू 500 या 500 से कम होना पड़ेगा. वायलेट के पास है, वो निकाल देगा. और इस मेटल सरफेस से अगर निकालना है, तो लैम्डा का वैल्यू 250 या 250 से कम होना पड़ेगा. तो वायलेट लाइट का 400 से ज़्यादा है तो निकाल नहीं पाएगा. ठीक है, सो डन फाइनली.